रिपोर्ट के अनुसार अराई पंचायत समिति के मंडौती गांव में हुए खदान हादसे को लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं, परंतु अभी तक खदान में दबे श्रमिक जीत राम को बाहर नहीं निकाला जा सका है। घटना को गंभीरता से लेते हुए अजमेर जिला एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह भी मध्य रात्रि 1 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि खदान मालिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वहीं विधायक सुरेश टाक सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दूसरी ओर खदान में दबे श्रमिक के परिजनों ने प्रशासन पर ढिलाई बरतने और रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे चलने का आरोप लगाया है। लगातार 20 घंटे से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी श्रमिक को बाहर नहीं निकाला जा सका है। खान में सकरा रास्ता होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानी आ रही है। वहीं मलबे में दबे मजदूर के परिजनों का बुरा हाल होने के साथ ही प्रशासन पर रेस्क्यू ऑपरेशन में ढिलाई बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत गहरी है और बहुत ही संकरी माइन है, अंदर मशीनें जा नहीं पा रही। काफ़ी बड़ी संख्या में मशीनें यहाँ पर पहले ही मंगाई हुई हैं। उन मशीनों से जो भी प्रयास हो पा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। NDRF की टीम भी लगी हुई है। जो भी संसाधन यहाँ पर हमारे पास में आवश्यकता है वो इकट्ठे किए जा चुके हैं, पर क्योंकि बहुत ही सक्रिय माइन है, बहुत गहराई में मशीन और वो व्यक्ति फंसे हुए हैं, इसलिए अभी समय लगेगा, इसमें प्रक्रिया चल रही है। सर, खान मालिक के लिए लापरवाही आती थी? हाँ, खान मालिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्यवाही होती जाएगी। सर, जो बोराड़ा के आसपास में जो अवैध कही इस तरह से माइन चल रही है, जैसे कि इस माइन की बात अगर मैं करूँ तो मुझे ये बताया गया कि ये लीज पर है, अवैध नहीं है। लेकिन सर, जो अवैध जो इस क्षेत्र में काफ़ी चल रही है, ये अवैध माइंस के बारे में बहुत ही क्लियर नॉर्म्स हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट कार्यवाही करता है, अगर वो हमें इन्फॉर्म करता है कि कोई माइन अवैध चल रही है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड माइनिंग डिपार्टमेंट ही अपने पास रखता है, यदि वो हमें इन्फॉर्म करें कि कौन कौन सी माइन अवैध चल रही है तो हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जब तक, या फिर वो हमसे जाब्ते की मांग करें, हमें बताएं कि हमें कितना जाब्ता चाहिए, उन्हें जाब्ता उपलब्ध कराया जाए। सर, प्रशासन की ओर से राहत कार्य लगातार जारी है, लेकिन अब कुछ एक असामाजिक तत्व है जो कहीं ना कहीं बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो सर क्या एक्शन लिया? देखिए, मेरे सामने अभी ऐसा कोई असामाजिक तत्व नहीं आया, जितना कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति का प्रयास है कि किसी तरह से जल्दी ऑपरेशन